अल्लाम सिक्स क्लास हम लोग कह रहे हैं जोग्राफ़िया बाब नंबर तीन जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कुरावाई के बारे में यानी ज़मीन के गिर मुखली गैसों पर मुश्तमल होवा का गुलाब कुर्रा हुई कहलाता है ये गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन और इन सब में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसके पौधे ही जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें फराहम करते हैं फिर नेक्स्ट हम लोगों ने कुर्रा हिजरे के बारे में पढ़ा यानी हमारी ज़मीन का जो रकबा है वो है पाँच सौ दस मिलियम मरबा किलोमीटर और इसकी ट्वेंटी नाइन परसेंट इसे पर खुशी मौजूद है हमारा जो टॉपिक है वो है कुर्रा आबी आप बोलते हैं स्टूडेंट्स पानी को यानी ये जो कुर्रा है ये बड़े बड़े समुंदर है दरिया और झील पर मुश्तमिल है हमारी जमीन के सेवेंटी वन परसेंट हिस्से पर पानी मौजूद है और इंसान अपनी खुराक का एक अहम जू मछली भी इसी कुर्रे से हासिल करता है अमले तब से जो है वो अमले तफखी से ऐसा अमल होता है जिसमें क्या है कि आबी ब रात की सूरत में पानी ऊपर उठता है जिससे बादल बनते हैं और इन बादलों से बारिश होती है जो ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी के लिए एक रहमत है नेक्स्ट हमारा जो कुर्रा है वह है कुर्रा हयाती हयात बोलते हैं ज़िंदगी को तो चरण ये वो कुर्रा है जिसमें हवानी नबा और इंसानी ज़िंदगी शामिल है यानी यहाँ पर परिंदे जानवर भी रहते हैं इंसान भी यहाँ पर रहते हैं और इसके अलावा यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ फ़सलें भी उगाते हैं यानी इस कुरे में हवानी नबदाती इंसानी ज़िंदगी सारी शामिल है और इसका जो दार मदार है वो बाकी कुरों पर है ओके okay स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुर्रा आबी आप बोलते हैं पानी को तो हमारी ज़मीन के सेवेंटी वन परसेंट हिस्से पर पानी है जो कि बड़े बड़े और दरियाओं झीलों पर मुश्तम है इसे हम कुर्रा आबी कहते हैं हम अपनी खुराक का एक अहम हिस्सा जो है वो मछली यानी कुर्रा आबी से हासिल करते हैं अम्ले तपखीर से अमले तपखीर होता है स्टूडेंट्स पानी का अबी बुखारा की शक्ल में ऊपर उठना और जब ये बुखारा आपस में इकट्ठे होते हैं आबी ब तो ये बादल बनते हैं और इन बादलों से बारिश होती है जो कि ज़मीन पर हर हाँ किस्म की ज़िंदगी के लिए एक रहमत है कुर्रा है आती तो स्टूडेंट्स ये जो कुर्रा है इसमें हैवानी यानी जानवर बताती यानी पौधे और इंसानी ज़िंदगी शामिल है यानी ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इस कुर्रे में पाई जाती हैं और इसका दार बाकी ्र पर है ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है फाइव तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट जो टॉपिक पढ़ा है क्रा भी कुर्रा है आती ये टॉपिक आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है